कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टेंथ में तुमने जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस सॉल्व की थी, तो कौन सी इक्वेशन ऐसी होती है जो कि तुम सॉल्व नहीं कर सकते इन रियल नंबर्स? कोई टाइप की ऐसी इक्वेशन है जो रियल नंबर में सॉल्व ना होती हो? ऐसी जिसका सोल्यूशन जो है रियल नंबर्स में पॉसिबल ना हो, जिसमें तुम लिखते हो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, ऐसा कुछ पढ़ा था? हाँ। कैसा बता? एक अभी मैं एक दो दिन पहले ऐसी क्वेश्चन कर रहा था, वो इमेजिनरी आ जाता है मैम फिर। हाँ, वैसे तो जैसे एग्जांपल दो ना, कौन सी इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हमें आंसर लिखना होता है कि नो रियल रूट एग्जिस्ट या कैनॉट बी सॉल्व इस तरह से? क्वेश्चन मिल नहीं रहा, वो मेरे को मैंने किया था वो ट्यूशन में हो रहा था, क्योंकि ये चैप्टर भी चल रहा है ना। जैसे लिखते हो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, क्या इसका रियल नंबर्स में सॉल्यूशन है? क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसमें x स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर होता हो? हाँ हो सकता है। कौन सा रियल नंबर जिसका स्क्वायर माइनस फोर आता हो? स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू, ओ सॉरी माइनस तो आ ही नहीं सकता। फिर यस इशिता तुम बताओ। नो मैम, कोई भी नहीं होगा। तो इट हैज नो सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका रियल नंबर्स में कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? अब जब भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए? मतलब इससे हमें यह समझ में आता है कि अभी भी रियल नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट नहीं है, उसको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। रियल नंबर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इस टाइप की इक्वेशंस हम नहीं सॉल्व कर सकते। अगर तुम टेंथ अपना याद करो तो वहां पर जब भी डिस्क्रिमिनेंट जब भी नेगेटिव आता था तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, तो तुम आंसर लिखते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट लिखते थे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि दिस सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स इज स्टिल नॉट कंप्लीट। तो क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है तो हम उसको एक्सटेंड करके उसमें कुछ और नंबर्स डालेंगे जिससे कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सके, राइट? एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम अपने घर में जिस रूम में बैठे हो उसको मैं कहूँ कि तुम इसको एक्सटेंड कर लो रूम को, या मम्मी कहती है इसको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि जो दीवारें हैं उनको तुम पुश करके और खिसका दोगे तभी एक्सटेंड होगा ना, दीवारों को मूव करोगे तभी घर हमारा एक्सटेंड हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते हैं तो जो हमारे रियल नंबर्स है वो तो अपनी जगह है ही है, उसमें हम और नए नंबर्स ऐड करते हैं और उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है? बात समझ आ गई बेटा? ये जैसे हमारे पास एक ये रियल नंबर्स है, इसमें हमारे पास रियल नंबर्स में जैसे हाफ है, रूट सेवन है, जीरो है, माइनस वन है, माइनस थ्री है, फाइव बाय फोर है, इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स, सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो अब इस रियल नंबर में हम और नंबर एंटर करेंगे और जब और ज्यादा नंबर्स इसमें डालेंगे तो ये बैग और बड़ा हो जाएगा और उसको फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। पूरे मैथमेटिक्स में जो तुमने पढ़ा है, जैसे सबसे पहले तुम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स पढ़ते थे जब बचपन में छोटे होते हैं, तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, वन टू थ्री, फिर इसमें जीरो डाल देते हैं तो होल नंबर हो जाता है,
इसमें जीरो और नेगेटिव भी मिला देते हैं, नेचुरल नंबर तो रहेंगे रहेंगे 1 2 3, लेकिन इसमें हम जीरो और नेगेटिव भी जब मिला देते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाते हैं, -1, इसी तरह से -2, -3, ये भी सब हमने डाल दिए तो ये हमारे पास इंटीजर बन जाते। तो इंटीजर में नेचुरल नंबर सारे बैठे हुए, साथ में नेगेटिव नंबर भी आ गया, जीरो भी आ गया। इसी तरह से इसको तुमने एक्सटेंड करके और बड़ा सेट बना दिया और उसको तुमने कहा फिर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। तो रैशनल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 ये सब है और -1, -2, -3 ये सब भी है, लेकिन इसके साथ साथ 3/5, 2/7, 100/12 इस तरह के नंबर आ गए, तो वो हो गया रेशनल। और फिर ये रैशनल्स को एक्सटेंड करके तुमने बनाया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बनाने के लिए क्या और नंबर डाले इसमें, रैशनल से जब रियल नंबर में गए तो उसमें और कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर क्या होता है? यस, रियल नंबर आर इक्वल टू, एक तो उसमें रैशनल्स होते हैं और क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स तो रैशनल में है सारे, रियल नंबर में और क्या होता है बेटे? नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, वरना वो जो सेट्स वाला चैप्टर है ना वो बहुत गलतियां करोगे। तो आर इक्वल टू रैशनल में देखो ना, इंटीजर सारे हैं, जब हम एक्सटेंड करते हैं पहले वाले नंबर लेके चलिए तो इंटीजर तो सारे ही है हमारे पास यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर ये देखो मैंने लिखे है ना, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन, साथ में ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए पी बाय क्यू वाले। तो जब रैशनल्स को तुमने एक्सटेंड किया, नेक्स्ट जो इसमें सर्कल बनाया वो तुम्हारा बन गया और बड़ा सर्कल और उसको तुमने कहा रियल नंबर। इसको तुमने कहा रियल नंबर। राइट, तो वो रियल नंबर जो बड़ा सेट बन गया उसके बाद उसमें कौन कौन से नंबर और एक्स्ट्रा है, कौन से नंबर रैशनल्स में नहीं होते? रूट। कोई और टाइप के नंबर सुने जो इन नंबर्स के अलावा, रैशनल नंबर्स के अलावा? इरेशनल नंबर्स का नाम सुना, इरेशनल नंबर्स पता है, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q डैश से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। तो इसमें कैसे नंबर होते हैं, एग्जांपल दो। 2, √2, √5, √11 ये सब इरेशनल नंबर है। 2 तो इंटीजर था, वो तो रैशनल में जा चुका, तो जो रियल नंबर है वो Q union Q डैश। इस सिस्टम को बेटा अच्छे से समझ लेना, अगर ना समझ में आए तो फिर से मेरे साथ डिस्कस करना, ये तुम्हें नंबर सिस्टम अच्छी तरह से आना चाहिए वरना फर्स्ट चैप्टर में बहुत गलतियां होंगी तुम्हारी सेट्स वाले में। ठीक है, एक बार रिकॉल करो,
समझो, फिर भी नहीं समझ में आए तो आई विल डिस्कस। तो अब हम आते हैं अभी इस पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? सी से, ठीक है। और हाउ डू वी डिफाइन इट? सी इक्वल टू ए प्लस आई बी सच दैट A belongs to R and B belongs to R for I equal to square root of minus 1। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर C। C में कौन कौन से नंबर है? A प्लस आई बी टाइप के नंबर है, जिसमें A भी R को बिलोंग करता है। R मतलब रियल, A भी रियल नंबर है और B भी रियल नंबर है। और आई की वैल्यू है यहाँ पर रूट माइनस वन। आई को हम क्या बोलते हैं? रूट माइनस वन। आई इज आयोटा, 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 ठीक है। आई इज सिंबल यूज फॉर आयोटा। और आई किसके इक्वल होता है? रूट माइनस वन के। तो सी में हमारे पास किस टाइप के नंबर्स आए? जैसे इसके मैं एग्जांपल लिखूं तो सी में आया हमारे पास 2 + 3i। इसी तरह से इसमें कैसा नंबर है? 5 - 4i, 1 + i, ठीक है। इसी तरह से 5 + 7i, √3 - 2i, -3 + 8/9i। इस तरह से कितने भी नंबर हम लिख सकते हैं। ये सारे नंबर सी में होते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, रूट भी आ सकते हैं? हाँ, ये मैंने लिखा ना √3 - 2i। ये क्या कहते हैं, आयोटा के आगे रूट आ सकता है? मतलब पूरा ऐसे ऐसे √3 + 4i ऐसे? हाँ, ऐसे भी और इस भी तरीके से हो सकता है कि 3 + √4i ऐसे नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता। तो ये आयोटा है, ये रूट में है या रूट से बाहर है? आयोटा बाहर है। अच्छा, 3 + √4i वो नंबर को a + bi फॉर्म का होना पड़ेगा। और इसमें कंडीशन ये है, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि a भी रियल नंबर हो और b भी रियल नंबर हो, a भी रियल नंबर हो और b भी रियल नंबर हो। अब रियल नंबर मैंने तुम्हें समझा दिए, रियल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी नंबर तुमने आज दिन तक पढ़े अपनी लाइफ में वो सारे रियल नंबर थे। तुमने नंबर पढ़े है ना नंबर सिस्टम में, चाहे वो रूट वाले हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाले हैं, चाहे वो इंटीजर है, चाहे जीरो है, जितने भी नंबर तुम पढ़ चुके हो वो सारे रियल नंबर है। सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का होगा, जिसमें सारे नंबर है जो भी तुमने पढ़े हैं, रैशनल, इंटीजर्स, नेचुरल, सब कुछ, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो a + bi फॉर्म में होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसमें नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने तुम्हें कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक्सटेंशन है रियल नंबर की। मतलब कि एक्सटेंशन का मतलब मैंने क्या समझाया था कि रियल नंबर के बैग में हमने और नंबर्स डालने हैं, तो इसका मतलब इसमें रियल नंबर भी आने चाहिए, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, -1 है, ये सब भी इसका पार्ट होना चाहिए जिस हिसाब से मैं तुम्हें कह रही हूँ, है ना। 5/3 है, √2 है, √9 है, √11 है, ये सब भी इसमें होना चाहिए ना। तो क्या 3 इसमें है? क्या 3 को हम a + ib फॉर्म में लिख सकते हैं? कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होगा अगर हम उसको a + ib फॉर्म में लिख सकते हैं तभी। तो क्या हम 3 को a + ib फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 = कुछ लिख सकते हैं ऐसा?
क्योंकि कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है, जब वो ए प्लस आई बी फॉर्म हो। तो थ्री को कैसे लिखोगे ए प्लस आई बी फॉर्म में? थ्री इक्वल टू, यस आंसर दो भले ही गलत हो। आयोटा की वैल्यू तो माइनस वन होती है ना, रूट माइनस वन, रूट माइनस, तो फिर मतलब मतलब रूट आयोटा की माइनस वन होगी है ना? नहीं, वो तो आई स्क्वायर माइनस वन है ना। अगर आई जो है वो, हाँ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, सॉरी सॉरी, आयोटा जो है वो रूट माइनस वन है, हाँ आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन है। तो थ्री को ए प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? थ्री प्लस जीरो आई, जीरो आई बी फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? थ्री भी रियल नंबर है और जीरो भी रियल नंबर है, ठीक है। थ्री इक्वल टू थ्री प्लस जीरो। इसी तरह से हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी नंबर जो है वो x बिलोंग्स टू r, अगर हमने लिखा तो x कैन बी रिटर्न एज x प्लस जीरो, और क्योंकि जीरो इंटू आई तो जीरो ही होता है, तो x प्लस जीरो आई जो है ये कहाँ चला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? रियल नंबर इज, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? यस, सेट्स वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा ना, अगर हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ? सबसेट। सबसेट, तो आर इज सबसेट ऑफ सी। समझ में आ गई? यस इशिता, इज इट क्लियर? यस मैम। तो अब ये ऐसे सिचुएशन है हमारे पास, ये हमारे पास ये आर था, ठीक है, ये आर हो गया, और फिर हमने इसमें आर में और नंबर्स डाल दिए, तो ये सर्कल बड़ा हो जाएगा। ये ठीक नहीं बना, दोबारा बना। मतलब मुझे ऐसा सर्कल बनाना है, हाथ से बना देती हूँ तुम्हें, कि जो है इसको पूरे को कवर कर ले। ओके, ये टाइम खराब हो रहा है, ऐसे बना देते हैं हाथ से। अब क्या हो गया? तो ये ऐसे ऊपर हमने एक इसके सर्कल बना दिया बड़ा इस तरह से, या बन मेरा इधर बना दो, ये रियल नंबर है और इसके ऊपर हमने एक बड़ा सर्कल बना दिया और ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर में हमने और नंबर्स डाल दिए, आर क्योंकि सी का सबसेट है, तो जब भी वो सबसेट होता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? उसके सर्कल जो वेन डायग्राम में जब सबसेट होता है तो उसको हम अंदर बनाते हैं सर्कल को, और बड़ा सर्कल जो है उसको हम बाहर बनाते हैं, है ना? ये पता है तुम्हें? यस मैम। वेन डायग्राम में पढ़ा है ना तुमने, ये रियल नंबर है और ये जो है ये जो बड़ा सर्कल बाहर बनाया जाता है ये जो है इसके अंदर आएगा। तो R इज सबसेट ऑफ C, सबसे पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि R जो है वो C का सबसेट है। अब जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं A प्लस आई बी, तो A जो होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम Z से डिनोट करते हैं। तो लेट जेड इक्वल टू, जैसे रियल नंबर को हम एक्स से डिनोट करते हैं ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नॉर्मली जेड से डिनोट करते हैं। तो लेट जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई,
तो ए जो होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू स्मॉल, स्मॉल ए क्या हुआ रियल पार्ट ऑफ जेड, और स्मॉल बी क्या कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई एम लिखा हुआ तुम्हारी बुक में मेरे ख्याल से सिंबल, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो ये आयोटा से अलग है, जैसे आयोटा में तो दोनों हाँ रियल नंबर हाँ थे। अच्छा आयोटा से अलग है, आयोटा से वो अलग होगा हमेशा, ठीक है। मैं देख लेती हूँ बुक क्या यूज करिए, आई एम ही यूज करिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू बी, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझनी है, जैसे तुम्हें दे रखा है जेड इक्वल टू 3 प्लस 12, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हुआ ए थ्री, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हुआ, बी हाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज बी इसके इक्वल हुआ, ये देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, यस हाँ, इमेजिनरी बी। ओके आंसर बोलो टू। ठीक है। अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया जेड वन इक्वल टू 5 माइनस 4 है, ठीक है, और लिख दिया रियल पार्ट ऑफ जेड वन, तो ये किसके इक्वल हुआ 5, फाइव और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन फोर फोर्थ 4 नहीं, ध्यान से देखो हाँ क्या होगा करेक्ट आंसर, माइनस फोर हाँ माइनस इट फोर शुड बी ए प्लस बी आई, ए प्लस बी आई कैसे बनेगा जब मैं ऐसे लिखूं, ठीक है ना, तो माइनस आंसर ओके क्या लिखना है -4, तो जो इसका प्लस माइनस साइन है वो भी साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह से जेड टू लिखो, जेड टू इक्वल टू 4i-2, अब रियल पार्ट ऑफ जेड टू क्या हुआ -2 -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, वो 4। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी इतना अच्छा मेरा हाथ चल नहीं रहा, दूसरा लैपटॉप है ना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, पहले समझ लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल, पहली कंडीशन क्या है, इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल, एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर, इस तरह से अपने दिमाग में डेफिनेशन को वर्डिंग में बिठा लोगे, उनके रियल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ लिख रही हूँ ए प्लस बी आई इक्वल टू सी प्लस डी आई, तो ये इक्वल कब होगा, अगर इसका रियल इसके इक्वल है, ए शुड बी इक्वल टू सी एंड बी शुड बी इक्वल टू डी डी, ठीक है। तो हम ऐसे लेते हैं, लेट जेड वन इक्वल टू ए प्लस बी आई एंड जेड टू इक्वल टू सी सी प्लस डी, प्लस डी आई तो जेड वन इज इक्वल टू जेड टू
आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली, या तो पूरा ऐसे लिखो इफ एंड ओनली इफ पूरा, या फिर हम इसकी जगह सिर्फ आई डबल एफ लिख देते हैं, आई एफ, आई एफ एफ ऐसे इफ एंड ओनली. तो ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली का, आई डबल एफ, तो ऐसे शॉर्ट में लिखते. तो जेड वन इक्वल टू जेड टू इफ एंड ओनली इफ A equal to C, या इसको ऐसे समझो if and only if A equal to C को मैं ये रब नहीं कर रही ऐसे लिख रही if and only if real part of Z1 equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 equal to imaginary part of Z2. बात कोई है, चाहे ऐसे समझो A equal to C, B equal to D, या ऐसे समझो. ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है. इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब Z1 इक्वल टू Z2 हो गया. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू जिसे हम कहते हैं. और अगर Z1 इक्वल टू Z2 दे रखा है तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे. तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया मानो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो रबड़ लेना ही पड़ेगा. रबड़ लेती नहीं, तंग करता है ये रबड़. तो x माइनस वाई आई इक्वल टू फाइव प्लस टू आई. और क्वेश्चन आता है कैसे, फाइंड, ये मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड एक्स कॉमा वन, और हमें ये दे रखा है ये इसके इक्वल है. तो इसका जो लेफ्ट साइड में इसका रियल पार्ट क्या है, फाइव. वो तो राइट साइड वाले का फाइव है लेफ्ट साइड में, बट इक्वल होता है ना जब क्या कहते हैं. हाँ, ये तो फाइव किसके इक्वल होगा, जेड प्लस वाई. जेड का है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस, ओ सॉरी सॉरी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, ये आ गया. एंड दूसरा क्या आएगा, टू. हाँ, टू किसके इक्वल हुआ, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई. तो हमने रियल को रियल के इक्वल कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दिया. हम इन दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, कैसे, हम के पुट कर देंगे उसको ऊपर उनकी प्लेसेस. कैसे सॉल्व करेंगे इशिता, हम इनको माइनस कर देंगे एक दूसरे से. माइनस क्यों करोगे, नीचे माइनस तो दे रखा, ऐड कर दो. हाँ, ऐड करेंगे मतलब. हाँ, ऐड कर दो, क्या आएगा ऐड करके, इक्वल टू सेवन. सेवन, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू सेवन बाय टू. टू, अब एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई निकाल सकते हो ऊपर लिख करके. एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू है, तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ, टू प्लस वाई निकालो. वाई इक्वल टू टू सेवन, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई. ठीक है, टू इधर ले आओ, वाई को इधर ले. अब एक्स की वैल्यू सेवन बाय टू है, तो सेवन बाय टू माइनस टू इक्वल टू वाई. तो अब वाई आ जाएगा सेवन माइनस फोर, थ्री बाय टू इक्वल टू वन. ठीक है, ये समझ आ गया. ठीक है, चलो थोड़ा सा मैंने तुम्हें समझा दिया है टॉपिक आज, तुम इसको कर लेना. इसके बाद इसमें इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह की चीजें हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे. एडिशन बहुत सिंपल है, एडिशन में क्या करना होता है, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है टू प्लस थ्री आई प्लस फाइव प्लस नाइन आई, तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को, जैसे लाइट टर्म को ऐड करते थे ना, बिल्कुल. तो टू प्लस फाइव कितना हुआ, सेवन. सेवन,
प्लस अब आई वाला ऐड कर दो, 11i 12 इज दैट 3 ओके ओके 3 प्लस 9 12 ठीक है। इसी तरह से मान लो हमारे पास 6 माइनस 4i प्लस माइनस 2 प्लस 5i, तो अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ कंबाइन करेंगे, 6 माइनस 2 हो जाएगा ठीक है ना, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करेंगे तो माइनस 4i प्लस 5i। तो जैसे मैथ्स में लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं बिल्कुल वैसे ही कंबाइन कर लो, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4 प्लस 6 माइनस 2 कितना होता है, सिंपल सब्ट्रैक्शन, क्या सोच रहे थे, 4 हाँ 4 और नेक्स्ट क्या आया, 1 आईटा, तो 4 प्लस आई आंसर हो, ठीक है समझ आ गई। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास 2 प्लस 3 आई माइनस 8 प्लस 4 आई, तो अब नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैथ्स में करते हैं माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, तो क्या आएगा माइनस 8 माइनस 4 आई। अब उसके बाद 2 माइनस 8, 2 और 8 एक से है और ये आई वाले हैं नंबर, इनको अलग कंबाइन करेंगे तो 2 माइनस 8 कितना हुआ, 6 माइनस 6 माइनस 6 और 3i माइनस 4i माइनस आयोटा, हाँ तो आंसर हो गया, समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, जस्ट यू हैव टू कंबाइन लाइक टर्म्स, ठीक है। मैं इसलिए फटाफट बता रही हूँ कि तुम एक्सरसाइज करोगे तो कर पाओगे, थोड़ा सा बता दूंगी। तो इसी तरह से मान लो हमें मल्टीप्लाई करना हो, 2 प्लस 3i इंटू मल्टीप्लाई करना है, तो डिटेल में मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, पर एटलीस्ट तुम फर्स्ट एक्सरसाइज कर लोगे। 5 माइनस 4i, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, टू जैसे मैथ में ओपन करते हैं ना ब्रैकेट, बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट ओपन करो, ओके 2 होल 5 प्लस 4 आयोटा, 2 इनटू 5 माइनस 4i ऐसे लिखना चाह रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ऐसे करो, 3i इनटू 5 माइनस 4i 4 आयोटा, हाँ तो 2 5 द 10 10 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा कितना हुआ, प्लस 3i इनटू 5 15i 3 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, हाँ तो ये हमने पहले ही अभी डिस्कस किया था, आई क्योंकि रूट माइनस 1 होता है तो आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हमारे पास 10 आ गया, माइनस 8i और 15i इसको कंबाइन कर देंगे तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 7i माइनस 12 और आई स्क्वायर जो है ये माइनस वन होता है, हाँ बट फिर वो प्लस 12 हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्टली प्लस 12 लिख देते, 12 प्लस 10 22 प्लस 7 ठीक है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 6 प्लस 3i इनटू माइनस 2 प्लस 5i हो मान लो, और तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो 6 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 6 इनटू माइनस 2 माइनस 12, अब 6 को 5i से मल्टीप्लाई करो कितना आया 30 आयोटा, 30i फिर 3i को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 6 आयोटा माइनस 6i, और 3i को 5i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा स्क्वायर। तो ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी अगर तुम्हें लगता है गलती हो जाएगी तो ऐसे कर लो जैसे ऊपर किया, और अगर तुम्हें लगता है तुम ठीक कर पाओगे तो ऐसे टर्म वाइज जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं चार टर्म्स को, ऐसे दो दो ब्रैकेट में होती हैं तो जैसे मल्टीप्लाई करके चार टर्म्स आती है वैसे निकाल लेते हैं। सो दिस इक्वल टू, अब ये यहाँ पर दिस इज इक्वल टू माइनस 12 और 30i माइनस 6i प्लस 24i, इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, और प्लस 15 और i स्क्वायर कितना हुआ माइनस 1, तो अब नेट आंसर क्या आएगा 27
माइनस 27 हाँ प्लस 24 आयोटा प्लस 20। ठीक है, समझ आ गया, मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। तो ये मैंने तुम्हें फटाफट इससे सिखा दिया कि तुम एक्सरसाइजेस कर पाओ, जिससे ये जो एक्सरसाइज 5.1 है इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ से स्टार्ट कर लेना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, फोर्थ से लेके टेंथ तक। ओके ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और बाकी जिसमें जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो तुम्हें आता है, जो आता है वो एज इट इज अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे ही ए प्लस बी होल क्यूब है तो होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगर कोई नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी। तो फोर्थ टू टेंथ करके रखना तुम दोनों। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे इसमें से डाउट्स करूंगी। ठीक है बेटे, ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ वेलकम बेटे।